तो दोस्तों, जब से मैंने ये गेम शुरू किया है तब से तो ये गेम अब तक बहुत बढ़िया रहा है, और मेरे ख्याल से इस गेम का एंड भी बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 चैप्टर रह गए होंगे। तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और गेम प्ले वीडियो में। तो इस चैप्टर का नाम रेडेन है, तो मतलब हमें रेडेन की तरह इस चैप्टर को खेलना पड़ेगा। यार तुम लोगों को बता दूं, रेडेन जो कैरेक्टर है उसके मूव्स काफी कूल है। We old warriors need to stick together, eh? Most certainly. I presume recent circumstances precipitate your arrival. Yes, yes. I'm concerned that Shinnok may. तो सॉरी दोस्तों कि मैं वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को बीच में बहुत अर्जेंट काम आ गया था, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पा रहा था। लेकिन अब मैं तुम लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि जहाँ तक मैं ट्राई करूँगा कि एक हफ्ते में कम से कम नहीं तो 4 गेम प्ले वीडियोज में अपलोड करूँ, और बहुत ही जल्द मैं अपने टैग पे भी वीडियोस डालनी शुरू करूंगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि तुम जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस डालूं उसके बारे में अपडेटेड रहो। Once I am rejuvenated, I will confer with General Blade. If only we could have destroyed Shinnok during the last war. If only he were mortal. ओके, तो ये वही जगह है जहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में उसको हराया था, शिनोक को हराया था। तो अगर ये जगह वापस दिखा रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस गेम का एंड बहुत नियर ही है। I hold out hope that we can turn this crisis to our advantage. How so? Quan Chi's magic binds the souls of many we hold dear. Capture him and we can force him to release them. इस गेम के पूरे होने के बाद जहाँ तक मैं जो भी वीडियोस होंगी वो सब गॉड ऑफ वॉर की डालूंगा, क्योंकि मेरे को गॉड ऑफ वॉर की वीडियोस पहले कंप्लीट करनी है। तो इसलिए इस गेम के कंप्लीट होने के बाद मैं गॉड ऑफ वॉर की वीडियो डालूंगा अगली। काफी बढ़िया गेम है यार, तुम लोगों को गेम प्ले देखने में मजा भी बहुत आएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ तुम्हें। I would move the heavens to bring them back to the light. It is as Master Boraicho said. The Shaolin masters are aboard that ship. Boraicho said 2 ships. The other has disembarked. We need to determine its destination. They will talk. I will see to it. No extraordinary means, Kung Lao. They raided the Wuxi Academy, killed Master Wen. Even with Tarkatans, there are boundaries we do not cross. Yes, Lord Raiden. I still cannot believe Shao Kahn would order such a brazen attack. It demonstrated Earthrealm's vulnerability. Shao Kahn knew we would have no choice but to agree to a new tournament. Liu Kang defeated Shang Tsung. He will beat Shao Kahn. In good time, Kung Lao. First, we free the Shaolin. All are aboard. This one leaves with the tide. We are ready. Shao Kahn demands the hostages be unharmed. Their wounds are not fatal. I would hope, Baraka, for your sake. For yours as well. If you harm them, you answer to me. Okay, तो ये सब जो भी है वो पास्ट का दिखा रहे हैं, और यहाँ पे मेरे ख्याल से फाइट शुरू होने वाली है। तो जो पहली फाइट है वो इसके संग आएगी। वैसे इस बंदे से लड़ना काफी मुश्किल है, क्योंकि पिछले चैप्टर में भी मैं इससे जब लड़ा था तो बड़ी मुश्किल हुई थी। अच्छा यार, तुम लोगों को बता दूं यार, इस कैरेक्टर के मूव्स करने बड़े डिफिकल्ट हैं। कूल मूव्स बहुत हैं इसके, लेकिन करने मुश्किल हैं।
तो यार फर्स्ट फाइट तो बहुत आसानी से जीत गए, अब देखते हैं दूसरी भी इतनी आसानी से जीत पाते हैं या नहीं। तो यार इसने तो स्टार्टिंग में ही मारना शुरू कर दिया है हमें। अब यार इस बार तो इसने बहुत बुरी हालत कर दी है हमारी। अब यार इसने तो हरा भी दिया हमें। ओके तो फाइनल राउंड में ही अब इसकी सुताई करनी पड़ेगी। अगर ये भी हार गया तो फिर से पूरा फाइट खेलना पड़ेगा। ओके तो यार फाइनल फाइट तो बहुत आसानी से जीत गए, पता नहीं सेकंड वाली फाइट में कैसे इतनी जल्दी आउट हो गया। You will return to the wastes with no prize. Step aside. ओके तो अब इस भंगन के संग लड़ाई आएगी। कुछ भी कहो पावर बड़ी मस्त है इस भंगन की, गंदी जरूर है लेकिन बढ़िया भी बहुत है। यार बड़ा कर रहा मूव है यार ये इसका, कई फाइट के बीच में भी कर लिया करे ऐसे मूव ये। I am of truth and light. I protect Earthrealm. This one cares not for Earthrealm and worships no gods. ये इस कीड़े वाली औरत के संग लड़ना शुरू से ही बड़ा मुश्किल है, जब भी इसके संग फाइट आती है तो बड़ी मुश्किल होती है लड़ने में। अब यार बहुत मार रही है तो फाइट की स्टार्टिंग में ही। अब यार मारने का भी मौका दे दे, मारती रहेगी हमें ये। हम एक मारते हैं पीछे से चार मार देती है। काफी टक्कर की फाइट है ये, बड़ी मुश्किल हो रही है यार इसे लड़ने में। बहुत समझ लो कि इसके खिलाफ खेलते समय हमें फाइनल राउंड नहीं करना पड़ा, वरना इसके संग लड़ना बड़ा मुश्किल ही होता है। They were not so vexing. All sneers and growls. Let us free those aboard this vessel. Then you will find the second ship. Where will you go, Lord Raiden? The tournament begins soon. Join me as soon as you are able. We will succeed, Lord Raiden. Of that, I am certain. Okay, तो ये वापस प्रेजेंट में आ गए अब। काफी कूल कैरेक्टर बनाए हैं इसमें, मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं सब बिल्कुल यूनिक बनाए हैं। पावर्स भी सबकी डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि किसी की पावर सेम हो या किसी और गेम से ली गई हो, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अलग अलग अपनी पावर्स हैं। तो यार इससे मुझे एक बात याद आई, जो कि मैं तुम लोगों को बता दूं कि मॉर्टल कॉम्बैट 11 भी बहुत जल्दी आने वाला है मेरे ख्याल से, वो अगले साल लॉन्च हो जाएगा, तो मैं उस गेम को खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ।
और मैंने इंटरनेट पे कुछ स्पॉयलर्स वगैरह भी देखे हैं जो कि बताते हैं कि मोर्टल कॉम्बैट का जो अगला गेम है उसमें स्किन्स और जो कॉस्ट्यूम्स हैं इनकी वो काफ़ी बढ़िया बनाई गई हैं, हाईटेक टाइप की इस टाइप की बनाई गई हैं। अगर तुमने इंजस्टिस लीग देखी हो तो उनकी जैसे बढ़िया बढ़िया कॉस्ट्यूम थी ना, मतलब ऐसी हाईटेक कॉस्ट्यूम बनाई गई हैं उनमें इसकी। Not yet. He will bear witness as I conquer his realm. Then I will imprison him as he did me. I would not boast of victory prematurely. I have already won, Raiden. तो यहाँ पे मुझे सिचुएशन कुछ ठीक ही नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है सब मिलके अब हमारी पिटाई करेंगे। अबे जे क्या कर रहे हैं, पोशंबा भाई पोशंबा खेल रहे हैं क्या? अबे यार बड़ा कर्रा कैरेक्टर है, सबकी मार दी इसने तो, ज्यादा बोल गया लगता है। मैं पिट गया बेचारा। सब इतने भेरा भेरा के घुसंड मार रहे हैं, इसके मुंह से खून भी नहीं निकल रहा। ओके तो अब इसे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ गया इसे। अब वो बहस किया ऊपर लटक गया ही जाके, डिस्को डांस करवा दिया एक बार में सबको इसने तो। ओके तो अब फाइट आएगी अगली इस टोपी वाले के संग। यार टोपी साले को और छोटी टोपी नहीं मिली, कोई और डिजाइनर टोपी नहीं मिली इससे? टोपी दोनों की डिजाइनदार है। शिट यार बहुत मार रहा है यार, पता नहीं क्या टोपी से मार रहा है अपनी बार बार, बड़ा कर रहा निकला यार ये तो। ओके तो एक्सरे यार, शिट यार एक्सरे भी ब्लॉक कर दिया इसने। अब यार ये तो बिल्कुल मारने नहीं दे रहा है। एक तो पता नहीं क्या अपनी टोपी से फेंक रहा है बार बार ये वाली फाइट तो आ रहा है, बक्की बात है। नहीं जीत सकते हैं अभी इसे, एक और मारना है बस यार, एक और मारना है। अबे शिट यार, यार हरा दिया इसने तो, पहली फाइट ही हरा दी इसने तो यार। अबे पहली हरा दी, कम से कम अब तो मारने दे इसे तो यार, बड़ा कुत्तों की तरह पीट रहा है हमें यार। यार बिल्कुल नहीं मारने दे रहा है यार, ये हर चीज को तो डॉच कर दे रहा है, पता नहीं फिर क्या ये अपने मूव से कर रहा है अजीब अजीब से। मुझे तो नहीं लग रहा ये वाली फाइट भी जीत रहे हैं हम। वो यार जीत गए इस वाली फाइट को यार, लग नहीं रहा था यार बिल्कुल जीतेंगे। तो फाइनल राउंड आ गया अभी यार, बड़ी मुश्किल फाइट है यार ये। एक तो साला पकड़ में नहीं आ रहा है, ये भग जाता है हर बार। अरे यार बड़ी बराबरी की फाइट है ये, नहीं जीत गए। चलो बढ़िया यार जीत गए, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस वाली फाइट को जीतने की। यार फाइट वाकई में बहुत मुश्किल होती जा रही है अब।
is not your destiny, Liu Kang. More visions, Raiden? Do you still see the future? The visions are gone, but I know what should be. I was put here by your hand. An accident, which haunts me to this day. I should thank you. You freed me. The elder gods you blindly serve. I will help Shinnok end their rule. तो यार तुम लोगों को बता दूं कि ये जो बंदा है इसे लड़ना यार बहुत मुश्किल था। मैंने एडिटिंग करके ये वीडियो छोटी करने के लिए बीच में एडिटिंग करी थी, वरना मुझे इस बंदे के संग कम से कम नहीं तो 4 बार लड़ना पड़ा था और 4ों बारी में आउट हुआ। तो यार बहुत मुश्किल था इससे लड़ना। एक तो ये बंदा मारने का बिल्कुल मौका ही नहीं देता, अपने मूव्स बहुत जल्दी जल्दी करता है ये। यार तुम लोगों को बता दूं, मैंने जितने भी चैप्टर अभी तक खेले हैं उसमें से सबसे हार्डेस्ट चैप्टर यही है। जितना टाइम मुझे बाकी चैप्टर्स को बीट करने में नहीं लगा, उससे ज़्यादा टाइम मुझे इस वाले चैप्टर को बीट करने में लग रहा है। ओके, तो ये वाली फाइट तो हम जीत गए और मेरे ख्याल से ये आखिरी फाइट ही थी, क्योंकि ये चौथी फाइट थी इस गेम की। इसलिए अबे यार बड़ी घिनौनी इंसान है यार ये, पता नहीं क्या उल्टी सी मार रही है अभी ये। ओके, तो यहाँ पे अब सिचुएशन और भी ख़राब होने वाली है मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि गेम का एंड है तो सिचुएशन ख़राब ही करेंगे अब ये। अब यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाह रहा है, पता नहीं। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये। ओ भाई साहब, ये कैसा बन गया कुत्ता सा ये। ओके यार बड़ा कूल लग रहा है यार ये तो। यार सबसे कूल कॉस्ट्यूम है यार अब तक मॉर्टल कॉम्बैट गेम में ये सबसे। मैंने शिनॉक के संग काफी बार वन ऑन वन मैच खेले हैं, लेकिन यार ऐसी कॉस्ट्यूम मैंने कभी नहीं देखी इसकी।